जी हाँ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानते रहो। आज हम पाकिस्तान की एक और अदाकारा फ़ाइज़ा गिलानी के टॉप ड्रामा सील के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके कौन कौन से ड्रामा सील ज़बरदस्त रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलेंगे ऑन स्क्रीन, जानेंगे इनके ड्रामास के बारे में। सबसे पहले नंबर पर ड्रामा सीरियल दीवानगी, एक रोमांटिक एंड ट्रेलर ड्रामा सीरियल था जिसके 41 एपिसोड थे। 2019 में इसको जियो इंटरटेनमेंट पर रिलीज़ किया गया। इस ड्रामा सीरियल में फ़ाइज़ा गिलानी ने नुजाहत का रोल अदा किया, जो कि नगीन की सिस्टर होती है। कमाल का ड्रामा सीरियल था। इसके बाद ड्रामा सीरियल तड़प। तड़प ड्रामा सीरियल में जो है ना, फ़ाइज़ा गिलानी ने आदिल की जो एक्स वाइफ है पुरानी, उसका रोल अदा किया। तो इस ड्रामा सीरियल के 32 एपिसोड थे, हम टीवी पर रिलीज़ किया गया 2020 में। इस ड्रामा सीरियल में लीड रोल जो अदा कर रहे थे वो सैयद जिब्रान और हिबा बुखारी थे। इसके बाद ड्रामा सीरियल है एतवार, रोमांटिक ड्रामा सीरियल था, हम टीवी पर 2022 में रिलीज़ किया गया। जरनेश खान, सैयद जिब्रान और फ़ाइज़ा गिलानी पारिया का रोल अदा कर रहे थे इस ड्रामा सीरियल में। इसके बाद ड्रामा सीरियल जान हथेली पर, ये एक पुराना ड्रामा सीरियल, 19 एपिसोड थे, ट्रेलर ड्रामा सीरियल था। कहानी लिखी शमीम बजिल ने और इसको डायरेक्ट किया सैयद हसनैन अब्बास ने। इस ड्रामा सीरियल में लीड रोल अदा करी थी फ़ाइज़ा गिलानी, मायरा खान, नदीम बेग, नुमान एजाज और असद मलिक। इसके बाद ड्रामा सीरियल लम्हे, ये ए प्लस टीवी पर 2018 में रिलीज़ किया गया। 23 एपिसोड थे। साइमा नूर, सरमद खोसत, फ़ाइज़ा गिलानी, अरफा का रोल अदा कर रही थी इस ड्रामा सील में। डायरेक्ट किया आसम अली ने और सिमरा बुखारी ने कहानी लिखी। इसके बाद ड्रामा सील है पिंजरा। पिंजरा ड्रामा सीरियल ए प्लस टीवी पर 2017 में रिलीज़ किया गया। 27 एपिसोड थे। इमरान नज़ीर ने इसकी कहानी लिखी, काशिफ नसीर ने इसको डायरेक्ट किया। यमुना ज़ैदी, नुमान जाज, किरण हक इसमें लीड रोल अदा कर रहे थे। फ़ाइज़ा गिलानी सकीना का रोल अदा कर रही थी इस ड्रामा सील। इसके बाद ड्रामा सील है परदेश। ये ड्रामा सील के 35 एपिसोड थे। ए आर वाई डिजिटल पर 2021 में रिलीज़ किया गया। इस ड्रामा सीरियल की कहानी सरवर नज़ीर ने लिखी और इसको डायरेक्ट किया मारीना खान ने। इस ड्रामा सील में अफवान वही, दौरे फिशां और साजिशा लोधी जो है लीड रोल अदा कर रही थी। फ़ाइज़ा गिलानी नबीला का रोल अदा कर रही थी इस ड्रामा सीरियल में, जो कि एहसन की सिस्टर थी। इसके बाद ड्रामा सिला है मोहब्बत आगसी। ये पुराना ड्रामा सिला है, हम टीवी पर 2015 में रिलीज़ किया गया। 38 एपिसोड थे। कहानी लिखी इमरान नज़ीर ने, सैयद अहमद कामरान ने इसको डायरेक्ट किया। इसमें लीड रोल इफ़त रहीम और अली खान थे। इसके साथ फ़ाइज़ा गिलानी शरीफा का रोल अदा कर रही थी। इसके बाद ड्रामा सिला है कमी रह गई। ये ड्रामा सिल पी टी वी पर रिलीज़ किया गया था। इसके 22 एपिसोड थे। रोमांटिक था। काशिफ नसीर ने इसको कहानी लिखी, काशिफ नसीर ने ही इसको डायरेक्ट किया। इसमें फ़ाइज़ा गिलानी, महवा शजात और नुमान इजाज थे। इसके बाद ड्रामा सीरियल जो है रिलीज़ किया गया नंबर 10 पर, जिस जो है उसका नाम है बाजी अरशाद। बाजी अरशाद एक्सप्रेस इंटरटेनमेंट पर ड्रामा सीरियल रिलीज़ किया गया था, जो कि एक ज़बरदस्त कॉमेडी ड्रामा सीरियल था। तो नाज़रीन, अपनी कीमती राय का ज़ाहिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। आपको फ़ाइज़ा गिलानी के ड्रामा सीरियल कैसे लगते हैं?